सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू सल्फोनेशन. सल्फोनेशन थोड़ा आसान है और ऐसे थोड़ा अलग सा भी है. सल्फोनेशन करने का मेन तरीका क्या होता है? अगर बेंजीन है, इस पर हम डालते हैं क्या? फ्यूमिंग H2SO4, जो बेसिकली क्या होता है, H2SO4 प्लस SO3, ओलियम, अ टाइप ऑफ ओलियम. सो प्रोडक्ट हमारा बन जाता है SO3H. अच्छा, ये वाले मैकेनिज्म में स्पेशली ध्यान रखना. यहां पर क्या होता है, हमारा सेकेंड स्टेप जो है वो हमारा RDS है, वो हमने देख चुके हैं. जो क्यों यहां पे RDS हमारा बदलता है, द रीजन इज प्रेटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. हम लोगों का मेन जो है SO3 उड़ने का टेंडेंसी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन. क्योंकि SO3H वाला जो हाइड्रोजन है, दैट इज मोर एसिडिक एंड मोर इजिली एब्स्ट्रैक्टेड. अच्छा, इसके अलावा तुम और क्या इस्तेमाल कर सकते हो? बेंजीन पे अगर हम कंसेंट्रेटेड H2SO4 और साथ में हम हीट कर दे, तो भी हमारा SO3H बन जाएगा. ट्राई टू रियलाइज इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ कंसेंट्रेटेड HNO3 नाइट्रेशन. यहां पर Here H2SO4 itself acts as acid and base. यानी क्या होगा इस पर? H प्लस साथ में क्या बन जाएगा? HSO4 माइनस. एंड उसके बाद एक दूसरा मॉलिक्यूल जैसे ही आएगा H2SO4 का, माइनस वाटर कर दो, एंड यहां पर हमारा बेंजीन रिंग आके अब अटैक करेगा. यहां पर भी हियर ऑल्सो द सेकेंड स्टेप इज RDS और द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. यहां पर भी जो सेकेंड स्टेप होगा वही हमारा RDS जो है वो हमारा होने वाला है. तो दीज आर द टू बेसिक टेक्निक्स. ठीक है. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, एज इन अ सल्फोनेशन द सेकेंड स्टेप इज अ RDS. सेकेंड स्टेप जो है वो हमारा RDS है. सो पॉलीसल्फोनेशन इज नॉट पॉसिबल. पॉलीसल्फोनेशन जो है वो यहां पर नहीं हो पाएगा. मोनोसल्फोनेशन ही हमारा हर हाल पे होने वाला है.
ठीक है, चाहे कितना भी एक्टिवेटेड रिंग हो डीएक्टिवेटेड रिंग हो। सो अगर टॉलुइन पर मैं फ्यूमिंग H2SO4 इस्तेमाल कर दूं तो SO3H बहुत ही ज्यादा बल्की ग्रुप है, इस कारण पे जनरली स्पीकिंग पैरा इज लगभग ऑलवेज मेजर, पैरा हमारा मेजर है और ऑर्थो हमारा माइनर है। ठीक है, अच्छा फिनॉल में भले ही रिंग इतना एक्टिवेटेड हो बट एक्टिवेटेड रिंग कोई काम का नहीं है, क्योंकि एक्टिवेटेड रिंग का जो काम है वो फर्स्ट स्टेप में है। फर्स्ट स्टेप में भी, फर्स्ट स्टेप तो हमारा यहां पे आरडीएस ही नहीं है। सो फिनॉल ऑल्सो गिव मोनोसल्फोनेशन, बस यहां पर एक चीज ध्यान रखना, यहां पर फिनॉल में जो ओनली इश्यू है मेजर माइनर का इश्यू है। अगर फिनॉल पे फ्यूमिंग H2SO4 मैं 25 डिग्री सेल्सियस पर डालू तो इन दैट केस ऑर्थो वाला हमारा मेजर बनता है बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज काइनेटिकली कंट्रोल्ड। बट वहीं पर अगर मैं फ्यूमिंग H2SO4 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास डालू तो इन दैट केस द पैरा प्रोडक्ट इज अ मेजर। And last, अगर मैं एनिलीन डिब्बे डालूं, एनिलीन also gives monosulfonated product. At higher temperature, at a low temperature, yield is pathetic due to यील्ड जो हो जाएगा वो हमारा पैथेटिक हो जाएगा ड्यू टू प्रोटोनेशन ऑफ द NH2 ग्रुप। प्रोटोनेशन ऑफ द NH2 ग्रुप, ठीक है। सो एनिलीन फ्यूमिंग H2SO4 हीट इन्वॉल्व है तो फिर तो पैरा ही बनेगा,
दिस इज मेजर। बाय द वे वो इस फॉर्म में रहता नहीं है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बेसिक ग्रुप भी है और एक एसिडिक ग्रुप भी है। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन होगा एंड दिस मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एज NH3 प्लस एंड SO3 माइनस। और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर प्लस माइनस दोनों होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयोनिक फॉर्म। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर प्लस माइनस दोनों होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयोनिक फॉर्म। ठीक है, अच्छा, तो सल्फोनेशन में ज्यादा वेरिएशंस नहीं है, बस एक और इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द डीसल्फोनेशन। अगर मेरे पास SO3H हो, इस पर अगर मैं H2O H+ डाल के हीट कर दूं, तो इन दैट केस हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा सिंपली बेंजीन। ठीक है, अगर SO3H में H2O H+ डाल के हीट कर दूं तो प्रोडक्ट जो है वो हमारा बन जाएगा बेंजीन। ठीक है, हाउ डज इट हैपन? अगेन दिस हैपन्स वाया इप्सो अटैक। सबसे पहले H+ यहां पर अटैक करता है, एंड नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप ज्यादातर केस में वाटर जो है वो यही वाला एसिडिक हाइड्रोजन को स्नैच करेगा और ये वाला बॉन्ड यहां पर आ जाएगा और हमारे पास बन जाएगा बेंजीन और SO3 जो है वो साथ में उड़ जाएगा। अच्छा, तो लॉजिकली बताओ, अब ये वाला मैकेनिज्म को देखने के बाद, अगर मान लो मेरे पास SO3H है और इस पर मैं डाला हूं D2O D+ हीट, तो ऑब्वियस ही बात है तो बेंजीन पे अगर तुम्हारा आइसोटोप को चेंज करना है, यानी C6H6 से अगर C6D6 बनाना है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। पहले बेंजीन का सल्फोनेशन करा दो और उस पर D2O D+ हीट कर दोगे तो वहां पर हमारा D जो है वो हमारा बन जाएगा। राइट, अच्छा, नाउ इसके अलावा और क्या है? अगर SO3H है, इस पर अगर मैं OH- डाल के हीट करूं तो इन दैट केस हमारा बन जाता है फिनॉल। हाँ, मतलब बाद में एसिडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। तो ये वाला रिएक्शन हम याद रखेंगे, इसका मैकेनिज्म हम बाद में देख लेंगे, अभी इसका मैकेनिज्म कराना संभव नहीं है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट डीसल्फोनेशन रिएक्शंस, एक एसिडिक मीडियम का और एक बेसिक मीडियम का। एसिडिक मीडियम पे तो सीधा बेंजीन बन जाता है, SO3 सीधा उड़ जाता है, और बेसिक मीडियम पे वहां पर OH जो है उसको वो आके SO3H को रिप्लेस करता है। सो दोस्तों,
These are the basic reactions regarding the standard EASR reactions. तो EASR का लगभग 90% जो चीजें हैं वो हम लोग यहीं पर देख चुके हैं. अच्छा, अब हमें नॉन बेंजीन कंपाउंड्स के लिए भी थोड़ा सा EASR जो है वो देखना तो पड़ेगा. लेट्स सी.